यस स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज बाइनोमियल थ्योरम में तो ठीक है जब हम पढ़ते हैं थ्योरम जब यूज होता है, पर पूरी मैथ्स में हर जगह होता है, मैथमेटिकल टूल्स जैसा काम करता है। और बाइनोमियल थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई वो समझे हम। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। मान लो मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, तो आप बोलते a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी क्यूब, है ना। मान लो मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी की होल पावर फोर क्या है, तो आप बोलते a पावर फोर फोर ए क्यूब बी सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी पावर फोर। यस और नो। मान लो मैं आपसे बोलूं कि a प्लस, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं और एक सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं इसमें। एक फॉर्मूले पे कंसेप्ट बनाओगे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इवन एनी इंडेक्स तक इस फॉर्मूले से कवर करेंगे हम। तो a प्लस बी की पावर 5 यानी a पावर 5 5 टाइम्स ऑफ a पावर 4 b पावर 1। जरा आप नोटिस करो, पहले में a की पावर 2 है, a की पावर मतलब फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होती है और सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होते हुए कहाँ तक जाती है, जो पावर हाईएस्ट है, स्टार्ट उसी से हो रहा है। जैसे पावर 5 है तो a पावर 5 5 टाइम्स ऑफ a पावर 4 b प्लस 5c2 यानी 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 टाइम्स ऑफ a b पावर 4 प्लस b पावर 5, राइट। ऐसे हम लिखते जा रहे हैं, बट अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी की पावर 25 तो हमारे लिए लिखना डिफिकल्ट होगा या मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और अभी तो केवल a भी है, हो सकता आगे जाके मैं ऐसा दे दूं x प्लस 2 बाय x की पावर 39। तो इस समय फिर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि हमने एक थ्योरम बनाई जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, बाई मतलब 2 और मल्टी मतलब मोर देन 2 टर्म। तो एक मल्टीनोमियल थ्योरम भी होती है जो 2 टर्म से ज्यादा के लिए यूज होती है, पर जब तक बाइनोमियल पे कमांड नहीं आएगा आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि जब हमारे पास टर्म्स पावर्स ज़्यादा हो तो हम कैसे उसका एक्सपांशन करेंगे, पर उसका ओरिजिनली कंसेप्ट यही है। आप पहले इसमें समझिए, ये है कोफिशियंट ए और बी, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये हो गया। इन्हें हम बोलते हैं आगे चल के ये क्या है, 3 3 या ये 4 6 4 या 5 10 10 5 1, है ना। इन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। जब हम थ्योरम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, कई बार आपको इनका सम करवाएंगे, कभी आपसे हो सकता है थर्ड टर्म पूछे, कभी आपसे हो सकता है मिडिल टर्म पूछे, कभी आपसे ग्रेटेस्ट टर्म पूछे, ये सब पढ़ना। तो बाइनोमियल थ्योरम एक सिंगल फॉर्मूले से हमको कवर करना है, और एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी और यूज में बहुत आने वाला, सबसे यूजफुल टॉपिक है ये। क्या क्या कंसेप्ट है उसका वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले का जिससे हम पूरा कंसेप्ट बनाने वाले हैं, वो समझ लीजिए, फिर मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये सारा कंसेप्ट समझाता हूँ चलता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ ए प्लस बी की होल पावर है, इससे बनाते इसमें जो जो टर्म आ रहे हैं उन सबको भी समझाता हूँ, जो कॉम्बिनेशन में पड़े हुए टर्म है वो सब भी आएंगे। क्या लिखा मैंने, ए प्लस बी की पावर एन, स्टार्ट होता है एन सी जीरो ए पावर एन बी पावर जीरो बी पावर जीरो। कभी भी याद रखिए ए और बी की पावर का सम पूरी एक्सपांशन में सेम रहता है, मतलब जो पावर है वही रहेगा, ठीक है। और ये प्लेस है, आपको पता है आपने पढ़ा हुआ एनसीआर, अब इस पर भी बात करूंगा, भले ही आपको आता हो पर इसकी भी बात करूंगा। इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिनका अभी हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो एन सी जीरो ए पावर एन बी पावर जीरो, नेक्स्ट टर्म होगा एन सी वन ए पावर इंटू बी पावर वन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होगा एन सी टू ए पावर, देखो अब ये जो है ना इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस टू बी पावर टू, राइट। अब देखो अगर मैं इसको ऐड करूं तो एन है ना, पूरी थ्योरम में अभी मैंने जो चार पांच फॉर्मूले लिखे थे उसमें भी यही खास बात थी। तो एन एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री बी का क्यूब, ऐसा चलता जाएगा एन सी आर ए पावर एन माइनस आर
बी पावर आर, और एंड कहां पर होगा, एन सी एन ए पावर एन माइनस एन जीरो एंड बी पावर, राइट। ये जो मैंने लिखा है एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू या एन सी एन, ये कहलाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसको हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है, एक बार फिर भी बता दूंगा, पूरा रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो एनसीआर की डेफिनेशन क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू एन माइनस ऑफ आर, राइट। एंड रिमेंबर एन सी जीरो या एन सी एन हमेशा वन, एन सी वन एन, मैंने इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया हुआ आपको कि अगर एन सी आर को सॉल्व करना हो तो क्या होगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर, एन सी आर इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ आर, राइट। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, पहले सीखते हैं। अब एक चीज याद रखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि टेन सी थ्री क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, आप इस फॉर्मूले को यूज करते तो ऐसा लिखते हैं टेन नाइन एट अपॉन थ्री टू वन। अगर फैक्टोरियल के टर्म में लिखते तो क्या लिखते बोलो, फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, टेन माइनस थ्री फैक्टोरियल ऑफ सेवन, राइट। अब आपकी मैंने दो स्टेप बचाई, अब इसको ओपन करते तो टेन नाइन एट इंटू फैक्टोरियल सेवन, फैक्टोरियल थ्री को क्या लिखते हैं थ्री टू वन इंटू, अच्छा ये कैंसिल तो क्या बचा टेन नाइन एट अपॉन थ्री टू वन, तो आपका ये थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, ये एडवांटेज है अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बिल्कुल अच्छे से एक बार इसके कंसेप्ट फिर समझ लो, क्योंकि अगर आपको एनसीआर या बाइनोमियल कोफिशिएंट सॉल्व करना नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो आपको कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, पर एक बार पूरा रिवाइज करते हुए चलते हैं। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो अगर बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो याद रखना प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब बात करूं मैं कि अगर मैं बोलूं आपसे सब फॉर्मूले बताएं, दोबारा बता रहा हूं, टेन सी सेवन तो क्या करते, तो आप लिखते फैक्टोरियल टेन, आगे फॉर्मूले से लिखूं अपॉन फैक्टोरियल सेवन इंटू टेन माइनस सेवन। अब देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के रिजल्ट सेम है, तो अब हम एक नया फॉर्मूला बना लें जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, एनसीआर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, सॉरी एन माइनस आर, एनसीआर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। टॉपिक बाद में पढ़ो, पहले उसमें रिलेटेड चीजें जो लगती है वो पढ़ना जरूरी है। तो इसका मतलब अब आपसे मैं कभी बोलूं कि 12c2 तो किसके इक्वल होगा, 12c10 के, 18c5 18c13 के, इनका डिफरेंस। अब क्योंकि हम जब फॉर्मूले का यूज करते हैं तो इसी ढंग से करते हैं, नोट कर लो पहले इतना, तो देखिए ये जब भी आप करें तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले पे बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 12c 10 करो तो आप 10 टाइम लिखने में टाइम लग जाएगा, तो आप इसे 12c क्या लिख दो 2, और 12c 2 लिखा तो 12 इंटू 11 अपॉन, क्योंकि जितना नंबर यहां पर है उतने फैक्टर लिख के आप सॉल्व कर सकते हो अगर फैक्टोरियल स्टेप बचानी, तो 10 लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 18c 15 तो 15 फैक्टर लिखूं, उससे अच्छा मैं इसको लिख लूंगा 18c 3 और इसका मतलब 18 17 16 अपॉन 3 2 1। याद रखिए कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था इन दोनों के मीनिंग अलग है पर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। इनका मीनिंग है 18 में से 15 ऑब्जेक्ट लिए, इसमें 18 में से 3 लिए हैं पर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसीलिए बाइनोमियल कोफिशिएंट में क्या होता है जो इक्विडिस्टेंस के कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और, किस वजह से, क्योंकि एनसीआर इक्वल टू होता है एनसीएन माइनस आर।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 16C 14, तो हम 14 फैक्टर लिखें, उससे अच्छा 16C 2 लिख के केवल दो फैक्टर लिख के इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, यस और नो? तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट के क्वेश्चंस में के लिए ये सब चीजें पढ़नी है, जो आप कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे दिक्कत ना जाए। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले पे वापस आते हैं। अब इस फॉर्मूले के कुछ कंसेप्ट बनाते हैं। सबसे पहले कि अगर इस फॉर्मूले में स्टार्ट मैंने NC0 से किया है, और आपको पता है NC0 जो होता है वो होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1, और NCN भी 1। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर कभी इस ढंग का दिया है तो हम इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से लिखें। तो अब से हम, मैं कम से कम 5 बार यही फॉर्मूला लिखवाऊंगा, जब तक ये याद नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़े। ए प्लस बी की और एक ही फॉर्मूले से सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। तो अब हम लिखेंगे ए पावर एन, राइट, क्योंकि NC0 की वैल्यू 1, बी की पावर 0 भी 1। तो नॉर्मली फॉर्मूला ऐसा लिखा मिलता हमें, तो हम कई बार सोचते हैं पर आता NC0 से ही है। स्टार्ट किससे होता है? NC0 से ही होता है। फिर बोलो नेक्स्ट टर्म, इसको NC1 ही लिखा रहने दे, ए पावर एन माइनस 1 बी NC2 बी स्क्वायर अप टू NCN की वैल्यू 1, एंड किस पे हुआ? बी पावर एन। अब हमारे लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो पहले और लास्ट में मैंने केवल कोफिशिएंट हटा दिए, तो अब एक बार फिर लिखूंगा और फिर समझाऊंगा आपको कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। क्या अगर आपसे कभी बोला जाए कि a प्लस b की होल पावर n क्या होता है, तो आप बोलेंगे a पावर n प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर NCR। ये क्यों लिखता हूं बीच में बताता हूं, अप टू बी पावर n, राइट। एक्चुअल में क्या होता है आगे जाके, अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या टाइप बनते हैं। आपसे या तो एक्सपांशन करवाएंगे, नंबर वन थिंग, एक चीज, या फिर आपसे हो सकता है कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि बताओ 6 टर्म क्या है, 7 टर्म क्या है, या आपसे कोफिशिएंट पूछ सकते हैं, या ग्रेटेस्ट टर्म पूछ सकते हैं, इस तरह की टाइप बनती है। इसलिए मैंने बोला कि सब कुछ आपको ही करना है, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, पहले कंसेप्चुअली समझो कि करना क्या है। तो आप देखिए, आप इसमें अगर हम एक चीज समझें, तो यहां पर ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट, ये मतलब जब 1 है तो टर्म कौन सा है? 2। ये कौन सा है? 3। इसके आगे 4। तो ये कौन सा टर्म होगा? R+1, क्योंकि काउंटिंग 0 से हो रही है। अगर मैं 0 से काउंट करूं, 0, 1, 2, 3, 4, तो फिंगर कितनी है? 5 ही है। 0 एज अ काउंटिंग नंबर ले रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 एज अ काउंटिंग नंबर, तो फिंगर तो 5 ही हुई ना। वैसे यहां पर क्योंकि स्टार्ट NC0 से होता है और NCN तक जाता है, तो 0 एक काउंटिंग नंबर होता है। तो जो भी नंबर R के प्लेस पे लिखा होता है, याद रखिएगा, NCR में जो भी नंबर R के प्लेस पे लिखा होता है, टर्म उससे एक ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है? R+1, जो कि क्या है? NCR a पावर n माइनस r b पावर r। ये हुआ जनरल टर्म, जो आगे जाके काम आएगा, जनरल टर्म या R+1 टर्म, जो आगे क्वेश्चन इसी से करोगे। बोला ना, इसी फॉर्मूले से हम सारे कंसेप्ट बनाएंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। NCR a पावर n माइनस r b पावर r। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर अगर बीच में माइनस हुआ तो क्या होगा। मैं आपसे बोलूंगा बीच में माइनस हो, 1 हो, कुछ भी हो, हम फॉर्मूला यही रखेंगे, करेंगे सब, लिखेंगे सारे फॉर्मूले, पर ओरिजिनली इस एक फॉर्मूले को दिमाग में बिठा के ही सारे क्वेश्चन करेंगे और कुछ नया नहीं करेंगे। तो अब मैं आपसे बोलूं यहां पर कि मान लो माइनस होता तो क्या करते, तो हम माइनस का अलग से फॉर्मूला ना पढ़ के हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो? अब आप पहले लिखते a पावर n, फिर लिखते NC1 a पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर 1, फिर क्या लिखते बेटा? NC2 a पावर n माइनस 2 b की पावर 2। माइनस का लिखते तो वो स्क्वायर प्लस हो जाता। तो अब हम ऐसा भी कुछ समझ सकते हैं कि जहां पर r के टर्म ऑड है, जहां r ऑड है वहां पर माइनस आएगा, और जहां इवन है वहां पर प्लस आएगा। तो अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे हम, क्यों पढ़े अलग से जब एक ही फॉर्मूला पढ़ लिया। तो अब अगर आपसे मैं बोलूं
कि a माइनस बी की पावर n क्या, तो आप बोलेंगे a पावर n माइनस एन सी वन ए पावर, बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं जब तक यही चीजें तो दिक्कत होती है, एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री माइनस, जैसे ही ऑड आए माइनस, जैसे मैं भूल भी रहा था आप मत भूलना, प्लस एन सी फोर ए पावर एन माइनस फोर बी पावर, ऐसा चलता जाएगा। अब अगर मैं कभी इसका जनरल टर्म पूछ लेता तो आप बोलते माइनस वन की पावर आर ए पावर एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। ये बात क्लियर है? अब क्या होता है कि जब आप कोई टर्म, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो केवल फॉर्मूले पे उलझा हुआ आपके साथ, और पहले आपका इस पे कमांड आना चाहिए। देखिए एक और चीज याद रखिएगा कि जैसे आपसे कभी बोला जाए कि फोर्थ टर्म निकालो तो आर की जगह थ्री रखेंगे, फिफ्थ टर्म निकालो तो आर की जगह फोर, टेंथ टर्म तो आर की जगह, या फिर आप सीधा टी आर का भी फॉर्मूला बना सकते हो। जब ये बन गया तो कुछ भी बन सकता है, मैं टी आर बोलूं तो एन सी आर माइनस वन, एक कम होता है इससे। यहां पर देखो ना, सेकंड थर्ड टर्म में टू है तो आर में आर माइनस वन होगा कि नहीं, आप कंसेप्ट पूरा इससे फर्स्ट फॉर्मूले से बनाओ, तो एन सी आर माइनस वन ए पावर एन माइनस आर प्लस वन बी पावर। आप अगर एक पीछे करके नहीं लिखना चाहते तो आप टी आर का ही फॉर्मूला यूज कर ले, अगर आप इसको यूज करेंगे तो मैं बोलूं सिक्स टर्म तो आर की जगह सिक्स, सेवन तो सेवन, एट तो एट, पर मेरा आपको सजेशन है आप इससे ना करके इससे करें, क्योंकि जो मैक्सिमम फॉर्मूले बने हैं बुक में वो इस कंसेप्ट पे बने, तो उस आप जब आर की वैल्यू इसमें रखेंगे तो वो एक टर्म बढ़ जाएगा, उसमें रखेंगे तो वही रहेगा, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है। तो मैं आप सबको सजेशन ये दूंगा यूज यही फॉर्मूला करें, क्योंकि आप ये करेंगे तो आपसे मिस्टेक के चांस कम हो जाएंगे, कर दोनों ही सकते, बस केयरफुल रहना अगर आप वाला फॉर्मूला करें यूज तो, ठीक है। अब एक बार फिर समझें हम, ये पूरा रब कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, बिल्कुल बुक ओपन नहीं करनी है जब तक एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट ना बन जाए, बुक ओपन अगली क्लास में करेंगे। अब सुनिए, अब क्या करना है, मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं 2x प्लस 1 अपॉन x की पावर सपोज 6, फाइंड एक्सपांशन ऑफ, कंप्लीट एक्सपांशन करना, करिए 2x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 6। पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को कमांड लाना है जब जाके आपको आगे बढ़ना है, 2x प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 क्या करेंगे, आपको पता आप लिखेंगे 2x की पावर 6 प्लस, पहले लिख लेना अभी स्टेप लिखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं स्टेप सेव करना है, पर पहले आज की क्लास में जितनी स्टेप लिखना है लिख लो, उससे एक बार ये बन जाए कि करना क्या है, एंड देन फिर उसके बाद आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने लिखा 2x की पावर 6 प्लस 61 2x की पावर 5 इंटू, बोलो 1 अपॉन x, राइट, फिर क्या लिखेंगे 62 2x की पावर 4 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 63 2x की पावर 3 1 अपॉन x का क्यूब प्लस 64 2x की पावर 2 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 65 2x की पावर 1 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 66 2x की पावर 0। अभी इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे बेटा, पूरा करने वाले हैं, आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे करोगे जब भी कमांड आएगा, फिर देखो आप कैसे नहीं बनते क्वेश्चन, प्रॉब्लम ही होती है हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बुक करते हैं इसलिए तो सॉल्व नहीं होते, या फिर हम समझ के नहीं करते। पहले मैं आपको बेस, एक ही फॉर्मूले का बेस समझाना चाहता हूं, ये हुआ। अब देखिए क्या क्या होगा 2x, क्योंकि इससे मैं आपको आगे के क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या क्या बनने वाले हैं। 2 की पावर 6 मतलब यस 64, बिल्कुल इस फॉर्म में बताओ मुझे x पावर 6। अब देखो 61 करा 6 32 x की पावर 5 और 1 अपॉन x, ठीक है, तो 32 इंटू 6 192, तो आप लिखेंगे 192 x का पावर 4, राइट। फिर आप आ जाओ अगले पे 62, 6 इंटू 5 अपॉन 2 यानी 15, तो 15 इंटू 16 2 की पावर 4 x पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो गया 160 प्लस 80 240, तो आप क्या लिखेंगे 240
एक्स पावर टू, यस और नो। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है, 63, 63 मतलब 2654 अपॉन 321 है ना, यही करते हैं ना। अभी मैं आपके लिए लिख रहा हूं 2 का क्यूब 8, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ये 6 से 6 कैंसिल, 20 इंटू 6 8 160, तो आप लिखेंगे 160, यहां एक्स क्यूब भी आएगा नीचे ना, तो एक्स बचेगा ही नहीं, तो 160 ही आया। क्लियर हो नॉट? फिर अगला टर्म बोलो 64, अब देखो 64 और 62 की वैल्यू सेम होगी, इक्विडिस्टेंस, वन एंड लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ये मिडिल हो गया, इसलिए नहीं हो रहा इसका कोई, क्योंकि पावर 6 है तो टोटल टर्म कितने मिलेंगे, 7, एक टर्म ज्यादा मिलता है, n में कितने, ये सब चीजें आपको समझ में खुद आने लगेंगी, n प्लस 1 टर्म, क्यों? देखो जब a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते तो 3 टर्म मिलते हैं, a प्लस बी का क्यूब 4 टर्म, a प्लस बी की पावर 5 अभी लिखे थे 6 टर्म, तो जो पावर होगी उससे एक टर्म ज्यादा, बिकॉज काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो आप बताओ मुझे 160, उसके बाद मैं करता हूं इसको सॉल्व, 64 इज 62 यानी 15, 2 की पावर 4 यानी 4, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 4, तो आप लिखेंगे प्लस, नीचे लिख रहा हूं इसके नीचे, प्लस 60 इंटू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर एक्स पावर माइनस 2, 65 इज 6, 62 जा 12, तो 12 एक अपॉन एक्स पावर 4, ये 1 ये भी 1, 1 अपॉन एक्स पावर 6। अब आपको मैं अगली चीज समझाना चाहता हूं, समझना बहुत ध्यान से जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, ये आ गया, ये टोटल 7 टर्म मिल गए आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, आपसे कभी भी कंप्लीट एक्सपांशन नहीं करवाएंगे, पर जब तक हम 4-5 कंप्लीट एक्सपांशन ना करें आगे ना बढ़े, और इन 4-5 एक्सपांशन से मैं आपको बता दूंगा पूरी कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या चीजें पूछी जाती है और क्या क्या बतानी है। जैसे ये नोट कर लिया, जैसे कि आगे जाके आपसे मैं बोलूं कि बताओ इसका थर्ड टर्म क्या है इस क्वेश्चन का, तो 1 2 3, तो आप आंसर बोलते थर्ड टर्म का बोलो कितना, 240 एक्स स्क्वायर, समझ ना। मान लो मैं आपसे बोलता फिफ्थ टर्म बताओ, तो आप बोलते 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली आपसे अगर फिफ्थ टर्म पूछा तो एक्सपांशन करके बताएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, पर अभी लॉजिक बता रहा हूं। टाइप नंबर 1 कि आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म ही पूछा जाएगा, ये हुई टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 पर, टाइप 2 मतलब हो सकता है आपसे कोफिशियंट पूछे जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोलेंगे बताओ, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 240, मे बी कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर माइनस 4, आप बोलेंगे 12, मे बी कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब पूछे, आप कहीं एक्स क्यूब दिख रहा है तो आप बोलेंगे 0, जो नहीं है मतलब एक्स क्यूब आया ही नहीं इसलिए उसका कोफिशियंट 0 मानेंगे। मान लो मैं आपसे बोलूं कोफिशियंट ऑफ 1 एक्स पावर 5, देन 0। मान लो मैं बोलूं इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें एक्स ना आए, तो इंडिपेंडेंट टर्म क्या हुआ 160 या कांस्टेंट टर्म, समझ में आ रही बात, ये हो गया राइट। थर्ड जो चीजें अभी मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये आगे जाके क्वेश्चन मिलेंगे जब आप बुक खोलेंगे, और यहां से अगर कंसेप्ट बनाओगे तो आपका बाइनोमियल पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड होगा, फिर आप करो क्वेश्चन। अब मान लो मैं इसमें बोलूं नंबर ऑफ टर्म, आपने बोल दिया 7, मैं आपसे पूछूं मिडिल टर्म, तो देखो 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल टर्म ये वाला हो गया, तो आगे जाके मिडिल टर्म बोला तो आपने बोल दिया 160। हो सकता है आपसे ग्रेटेस्ट टर्म बोले, मतलब पूरे एक्सपांशन का सबसे बड़ा टर्म, तो सबसे बड़ा टर्म जब पूछा जाता है तो एक्स की वैल्यू भी दी जाती है साथ में कि एक्स टू है, एक्स वन बाय टू है, एक्स थ्री, अभी अभी हम मान लेते हैं एक्स वन है मान लो, तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा दिख रहा है 240, तो हम ये बताएंगे। यानी एक ही क्वेश्चन से समझो कि ये चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं, पर पहले एक्सपांशन समझ में आया, तो अभी मुझे अगले 4-5 क्वेश्चन आप पूरे इस फॉर्म में करके दिखाएंगे कंप्लीट, मुझे इस फॉर्म में नहीं ये पूरा फॉर्म चाहिए। लिखिए जरा क्वेश्चन, लिखिए छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, तब बड़े क्वेश्चन नहीं लेंगे, लिखिए टू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर की पावर 5, माय क्वेश्चन इज
टू एक्स, अब बीच में माइनस दिया है, माइनस का फॉर्मूला नहीं बताया, पर एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करना है। 2x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर 5, आपको बिल्कुल फाइनल इस स्टेप में आंसर लेके आना है। करिए जरा सॉल्व फटाफट, क्या करेंगे ये आपको पता है, तो निकालिए a प्लस a माइनस b की होल पावर n से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जरा करिए, देखिए क्या निकालते हैं आप, और बार बार आपको बोलूंगा कि ये फॉर्मूला कम से कम कॉपी में 50 बार लिखिए, ए पावर एन, बार बार अपने आप से बोलते हो लिखिए, ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन एन सी टू, सारा कंसेप्ट इस पे बेस्ड है पूरी बाइनोमियल का, बीच में एन सी आर, ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर अप टू बी पावर एन, बार बार लिखिए, ए माइनस बी अलग से याद नहीं करना है, बट दिमाग में रहे कि जहां ऑड आता है वहां माइनस लगा दें। तो आप बोलेंगे ए पावर एन माइनस एन सी वन एन माइनस वन बी वन एन सी टू एन माइनस टू बी स्क्वायर माइनस वन की पावर आर एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर माइनस बी पावर एन, बार बार कम से कम 50 टाइम्स लिखिए फॉर्मूले। होता यही है कि जब हमारा कमांड नहीं होता तो एन सी आर एन पी आर इनके पहले खूब सारे क्वेश्चन कर लो सॉल्व, 10C2, 18C2, 15C2, 16C2, ये वैल्यू याद करो, जब जाके वो क्वेश्चंस याद मतलब सॉल्व करो, जब जाके क्वेश्चन स्पीड में बनेंगे, और पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट समझो कि एक्चुअल में करना क्या होता है। करिए जरा इस क्वेश्चन को, यस करते हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे चार पांच क्वेश्चन करने हैं, क्लास में हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है पर फिर भी करेंगे, क्योंकि पूरा कंसेप्ट इस पे बेस्ड है, इसलिए कई बार दिक्कत होती है, और ये टॉपिक हर जगह काम आता है। मैथमेटिकल टूल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाइनोमियल थ्योरम प्रोग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे, आप बिल्कुल इत्मीनान से लिखिए 2x की पावर 5, अभी लिखिए, अब क्योंकि पावर मैंने बोला था जब भी बीच में निगेटिव हो तो ऑड पर निगेटिव लिखो या उसे ऐसा बना लो, आपके ऊपर है, ऐसा लिख के कर लो या जो कंसेप्ट बताया वो करें। अब बोलो 5c1, ये स्टेप लिखें अभी, पहली 2x की पावर 4, अब सपोज अगर आप यहां पर माइनस नहीं लगाते, यहां प्लस लिखते तो यहां लिखते माइनस, और जब पावर ऑड होगी तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इतना कंसेप्ट जितना टाइम, थोड़ी स्टेप तो कम की आदत डालनी है। फिर अगला टर्म 5c2 2x की पावर 3 1 अपॉन 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो आर के टर्म है वही लिखने हैं। नेक्स्ट माइनस 5c3 2x की पावर 2 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर 3 प्लस 5c4 2x की पावर 1 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर माइनस 5c5 2x की पावर 0 बोलो 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर 5। इस फॉर्म में भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आगे जाके आपको एक्सपांशन नहीं करना, पूरा कोई पर्टिकुलर चीज ही निकालना सीखना है। अब ये हो गया 32 टाइम्स ऑफ, अब हम यहां लिखते हैं 5 2 की पावर 4 16 अपॉन 3 एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर, यस और नो, साइड में लिख लो 80 अपॉन 3 यही लिखोगे ना, देखना कहीं मिस्टेक हो तो बता दो, चलना इनटू एक्स स्क्वायर, राइट। अगला टर्म 5c2 10 2 का क्यूब 8 3 इंटू 3 9 80 अपॉन 9 एक्स क्यूब अपॉन एक्स पावर 4, अपॉन में एक्स आएगा, क्यों कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्म 5c3, अब आपको यहां से पता सब मैच करने लगा है, बोलो 5c3 10 2 का क्यूब 4 3 का क्यूब 27 माइनस 27 एक्स की पावर 6 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स पावर 4, कहीं कोई भी चीज गलत ना हो, इनिशियली लिखो, जैसे ही कॉन्सेप्ट बन जाए स्टेप लिखना कम कर दो। नेक्स्ट टर्म 5c4 is 5 2 1 अपॉन बोलो 81 ना एक्स की पावर 8 और ये ऊपर एक्स रहेगा, क्यों तो ये हो गया 10 10 अपॉन यस 10 अपॉन एक्स की पावर 7।
माइनस 5c5 1 टू पास 0 1 अपॉन 243 एक्स की पावर 10 और यस पावर ऑड है, जब भी यहां ऑड हो तो माइनस। ये हमारा कंप्लीट एक्सपांशन। अब मैं फिर जो पूछूंगा वो सारी चीजें फिर बोलना चालू करना, हर क्वेश्चन में समझाऊंगा। ये बॉक्स बना लिया, आपसे इतना बड़ा एक्सपांशन नहीं पूछना, जो पूछा जाएगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, आप लोग बताते चलना। नंबर 1, फाइंड थर्ड टर्म। अब एक चीज दिमाग में रखना, थर्ड टर्म पूछा है तो अभी हम इसको देख के बोल रहे हैं, पर आगे जाके इससे नहीं निकालेंगे। अगर आपसे थर्ड टर्म पूछा है, अब मैं यहां पे कंसेप्ट बनाना चालू करता हूं। मैं लिखता 2+1 एनसीआर का फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बाइनोमियल थ्योरम में कोई है पूरी थ्योरम में, तो वो ये फॉर्मूला ही है पूरा, ठीक है। अब मैं क्यों निकालूंगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं जो चीज आप कर रहे हो वो दिखे कर क्या रहे हो। अब 2+1 लिखा, राइट, थर्ड टर्म निकालना है, पता है आपको ये आंसर है, पता आपने लिखा 2+1, बोलो 5c2। अब यहां पर अगर इवन हो तो प्लस रखना, और ऑड हो तो माइनस, अगर बी माइनस का है तो, अगर बी प्लस का है तो माइनस आएगा ही नहीं कभी, पर अगर बी का टर्म मतलब सेकेंड टर्म निगेटिव हो तो, आर अगर निगेटिव है सॉरी ऑड है तो निगेटिव, और इवन है तो पॉजिटिव। अब बोलो पहले टर्म की पावर, मैं हमेशा बोलता हूं पहले टर्म ए की पावर इनका डिफरेंस बी की पावर माइनस, ना भी लिख देता हूं मैं तो, कई बार मुझे आदत में हो, बोलो तो यस और नो। वो देखो अपने आप ही प्लस हो गया, बी निगेटिव है निगेटिव लिख दो, पॉजिटिव है पॉजिटिव। 5c2 इज 10, 2 का क्यूब 8 इंटू एक्स क्यूब, नीचे 3 का स्क्वायर 9, एक्स की पावर 4, 80/9 एक्स, ये लिखा हुआ। इज दैट क्लियर? तो आगे जाके हम एक्सपांशन नहीं करेंगे, हम जनरल फॉर्मूले से ही सब कुछ करेंगे, सारा कंसेप्ट उसी पे होता है, बट अभी हम पहले एक्सपांशन से सीखें, क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो अगर आपको उसका पूरा बेसिक ओरिजिन पता है तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। मान लो मैं आपसे पूछता है इसमें कि फोर्थ टर्म बताओ, तो आप बोलते -40/27 एक्स पावर 4। मान लो फिफ्थ टर्म बोलता तो ये बताते, राइट। एक चीज, ये सबसे पहली टाइप होती है, मैं टाइप बताता हूँ, चल रहा हूँ। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे कोफिशियंट पूछा जाए, क्या पूछा जाए। मान लो मैं आपसे बोलूं कॉन्स्टेंट टर्म, बोलो है ही नहीं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक्स है तो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, या इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, या इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स नहीं है, तो आंसर इज 0, राइट। अब आपसे कॉन्स्टेंट टर्म के अलावा ये पूछा जाए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि इसको हम निकालेंगे कैसे, अभी तो एक्सपांशन से बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन में उसके साथ बताऊंगा कि किस तरह से हम करेंगे, पहले एक बार एक्सपांशन पूरा दिमाग में बिठाना है। मान लो मैं आपसे बोलूं कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 4, देन अगेन नहीं है, जो चीज नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी, जो चीज नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी आपको, राइट। मान लो मैं आपसे बोलूं कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर -4 है, हाँ -40/27। मान लो मैं आपसे बोलूं कि ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, सबसे बड़ा टर्म, अभी वैसे मैं अभी फिर बोल रहा हूं ग्रेटेस्ट टर्म में एक्स दिया होता है कि एक्स की कुछ वैल्यू दी रहती है, अभी मान लेते हैं कि एक्स 1 है, मान लो तो देखें तो हम 32 है, क्योंकि ये 80/3 मतलब कम हो गया, 32 से तो कम हो गया ना, 80/9 और कम हो गया, कम होता जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, तो ग्रेटेस्ट टर्म कभी भी ये दिमाग में रखना मिडिल टर्म नहीं होता, हमेशा कई बार हो सकता है कई बार डिपेंड ऑन क्वेश्चन, कोई ऐसे थम रूल मत बनाना। एक्चुअल में ग्रेटेस्ट टर्म ए और बी पे डिपेंड करता है, इसमें अपॉन में 3 आ गया, नहीं आया होता तो हो सकता मिडिल ही होता, बात समझ में आ रही, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, कोई इसके लिए आप स्टैंडर्ड रूल अभी से नहीं बना सकते कि ऐसा ही होगा, बात समझ में आ रही। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट टर्म, तो आप फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, लास्ट टर्म भी हो सकता है, कोई भी पोजीशन का टर्म हो सकता है, और अभी तो आगे जाके ग्रेटेस्ट टर्म जब पढ़ोगे तो एक्स भी देंगे हम साथ में आपको, उस पे और डिपेंड करता है कि एक्स क्या दिया हुआ, एक्स 2 दिया है, 1/2 दिया है, 3 दिया है, 1/3 दिया है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक चीज, अब मैं मान लो आपसे इस क्वेश्चन में बोलता मिडिल टर्म बताओ, अब मैं आपसे अगर इस क्वेश्चन में बोलता
कि मिडिल टर्म बताओ। तो मिडिल टर्म क्या होता है, तो सुनिए, नहीं नहीं जीरो नहीं, क्या होता है, घर में पांच भाई बहन हैं तो तीसरे नंबर का बीच वाला हो गया, सात हैं तो चौथे नंबर का हो गया, पर अगर चार हैं तो क्या बीच का नहीं होता, ये दो के दोनों को बीच के ही बोलते हैं, क्योंकि मिडिल का रूल है कि लेफ्ट और राइट पर इक्वल नंबर होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन होती है। नहीं समझे, अगर आपने बोला कि चार भाई बहन है तो सेकेंड और थर्ड मिडिल है, इधर भी एक छूटा है, इधर भी मान लो आठ भाई बहन है तो फोर्थ और फिफ्थ, पहले इधर के तीन छूटे बाद के तीन तो मिडिल, तो ऐसे यहां पर पावर फाइव है तो ऑब्वियसली टोटल टर्म मिले सिक्स, तो मिडिल टर्म क्या होगा, देखो ये दो, ये दोनों ही मिडिल टर्म कहलाएंगे, फर्स्ट सेकंड यहां पे भी छूटा दो यहां, तो अगर मिडिल टर्म बोले तो ऐसा लिखा ही मिलता 80/9x और बोलो -40/27 दोनों ही होते हैं। ऑप्शन में ये देंगे सी बोथ दे देंगे, ए और बी, सी ऑप्शन ऐसा दे देंगे या कॉमा लगा के देंगे, तो दोनों ही यहां पर मिडिल टर्म का एक रूल बिल्कुल क्लियर रखना कि लेफ्ट और राइट पर इक्वल ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी बचना चाहिए कहीं पर भी, ये क्लियर है बात। तो आगे जाके आपको एक्सपांशन नहीं कुछ पर्टिकुलर चीजें बतानी होती हैं, पर उसका ओरिजिनली समझ में आ गया क्या है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए एंड एंड भी रहेगा, मतलब ये भी है ये भी है और करके, मतलब दोनों ही कोई मिडिल टर्म बोलते हैं, यहां पर कॉमा लगा रहेगा, कोई उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, दोनों में माइनस होगा ही नहीं, दोनों माइनस का कोई मीनिंग नहीं है ना, माइनस है माइनस, बी की पावर अगर ऑड है तो भी ये प्लस है और अगर इवन है तो ये पूरा प्लस ही हो गया, इसमें पूरा माइनस हो गया, माइनस पूरे टर्म में आ जाएगा। हाँ समझ में आई बात। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, 2x - 1/2x² - 1/4x की पावर चलो 7 ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी कैलकुलेशन ही मिस्टेक, सबसे ज्यादा मिस्टेक कौन सी होती है कैलकुलेशन, तो जरा कैलकुलेशन इंप्रूव हो गए, 2x² - 1/4x² / 7 कंप्लीट एक्सपेंशन चाहिए मुझे विथ कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, निकालिए जरा। अब देखिए ये क्वेश्चन देने का मेन पर्पस क्या था कि आपसे कैलकुलेशन पे वर्क कराया जाए, 90% टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और कैलकुलेशन के लिए कभी आप अलग से कोई एफर्ट नहीं डालते, तो जब कभी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो ना तो उसी समय प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अलग से तो कम करते नहीं प्रैक्टिस और मिस्टेक कैलकुलेशन की करते हैं, तो वो तरीका सबसे अच्छा यही है। सबसे पहले इसके एक एक टर्म को बहुत ही अच्छे से लिखिए, 7 पहला तो आएगा 2x² की पावर 7, अब बीच में माइनस है तो जहां ऑड आएगा वहां माइनस, आगे जाके 7c1 जैसे 7 होता, धीरे धीरे ये सॉल्व करने की आदत डालें। अब आपको तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कंसेप्ट कहीं, 1/4x की पावर बोलो 1, यस और नो, देन माइनस ऑफ नहीं प्लस हो जाएगा 7c2 2x² की पावर 5 1/4x का पावर 2 माइनस 7c3 2x² का पावर 4 1/4x की पावर 3 प्लस 7c4 2x² की पावर 3 1/4x की पावर 4 यस और नो, फिर क्या माइनस। अब इन सबसे फायदा ये होता है कि टॉपिक में क्लियरिटी आना चालू होती है कि हम एक्चुअल में इस, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको पर्टिकुलर आएगा, पर टॉपिक की क्लियरिटी तो आना चालू हुई कि पढ़ना क्या है, क्यों बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, कि बड़ी पावर्स आ जाए तो उसके एक्सपांशन के लिए पढ़ते हैं, फिर उसमें कोफिशियंट निकालना हो, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना हो, तो इसलिए ऐसे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्लास में हम बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप ऐसे खुद लिखें क्वेश्चन और खुद प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 10-20 क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए एक्सपांशन के, फिर उसके बाद फिर टर्म निकालना सीखो, फिर एक एक स्टेप टर्म, फिर कोफिशियंट, फिर मिडिल टर्म, फिर
ग्रेटेस्ट टर्म, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, फिर वो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो करना चालू करो, अपने आप आपको प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। होता ये कि हम चालू हो जाते हैं, एक क्वेश्चन करा बढ़ गए, तो ये लिखने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमें क्लियरिटी आती है कि हम कर क्या रहे, क्यों कोई चीज मिल रही है, कोई टर्म नहीं मिल रहा है, कोई इंडिपेंडेंट टर्म कभी जीरो आता है कभी कुछ, क्यों, वो क्लियर है बात नहीं, जरूरी नहीं है। अब डिपेंड ऑन क्या दिया हुआ है, यहां पर भी स्क्वायर दिया होता कैंसिल भी हो सकता था, ये कोई रूल नहीं है कि इंडिपेंडेंट टर्म जब ऑड दिया वो सारी चीजें एक्स इन दोनों पे डिपेंड करेंगे। तो अभी अपन देखते हैं ना क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब पावर्स अलग अलग हैं, इधर पावर बढ़ेंगी कम होंगी तो डिपेंड करता है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं बनाया तो अच्छा रहेगा। प्लस 7c6 2x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 4x की पावर 6 माइनस 7c7, लिखना लिखो ना लिखना तो 1 लिख सकते हो, 2x स्क्वायर की पावर 0 अपॉन 4x की पावर 7। ये बात समझ में आई। अब इसको कंप्लीट आपको सॉल्व करना है और ऐसे एटलीस्ट 10 टू 20 क्वेश्चन करने हैं जिससे कि एक पिक्चर क्लियर हो जाए बाइनोमियल की। वैसे हो गई होगी इतने में, पर आप फिर भी प्रैक्टिस करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको देता हूं टाइप नंबर 1 कि पर्टिकुलर कोई टर्म निकालना तो कैसे निकालेंगे। लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब टू दी पावर 15। लिखिए क्वेश्चन, अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 15 फाइंड फोर्थ टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 15 फाइंड फोर्थ टर्म। क्या होगा फोर्थ टर्म, जरा निकालिए। अब फोर्थ टर्म मतलब अब बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इसके जनरल टर्म से ही करेंगे, एक सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड टॉपिक है जिससे सारे आगे जाके कंसेप्ट बनाऊंगा मैं, फॉर्मूले बहुत बताऊंगा पर कंसेप्ट इससे ही बनवाऊंगा। तो अब आपको अगर बोला जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 50 और फाइंड फोर्थ टर्म, तो इसका मतलब आपसे मैंने बोला है फोर्थ टर्म मतलब बोलो 3+1। अब जब भी ये नंबर ऑड हो तो माइनस आएगा, नहीं लिखते माइनस, जैसे मुझे आदत नहीं है, मैं तो 15c3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो b की जगह है वो लिख देता हूं, कोई भी एक चीज, बस प्लस माइनस की मिस्टेक भी सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। ये क्लियर बात। अब आपने लिखा कितना, अब माइनस तो आ गई 15, हाँ पावर इन दोनों का डिफरेंस 12 आएगी, तो 15 14 अपॉन 3 2 1 इंटू एक्स पावर 24 अपॉन एक्स की पावर 9। अब 3 से ये 5 टाइम कैंसिल, 2 से ये 7 टाइम कैंसिल, तो ये हो गया 91 इंटू 5 4 बिल्कुल सही माइनस 455 एक्स पावर 15 इज द राइट आंसर। तो आपको तो ये बताना होंगे आगे जाके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े और भी अभी हम करेंगे, वो अभी तो आज पहली क्लास है इसकी, इंट्रोडक्शन है ना। तो साथ ये समझ में आ गया। अब मान लो मैं आगे जाके इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन में दोबारा दूंगा और पूछूंगा एक्स पावर 15, तो आप आंसर क्या दोगे, और वही क्वेश्चन पहले करना चाहिए जिनके आंसर्स आपको पता हो, बुक के पीछे नहीं देखना है, उससे एक अंदर से बिलीव आता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जब मैं कोफिशियंट वाले क्वेश्चन दूं तो 4-5-6 क्वेश्चन वही बताना मुझे जो मैं करवा चुका हूं, फिर उसके बाद नए क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2x क्यूब प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर पावर 12 फाइंड 9th टर्म। 2x क्यूब प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर 12 फाइंड 9th टर्म। नाइन टर्म के लिए क्या करोगे, 8+1 2x क्यूब प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर 12 नाइन्थ टर्म, मतलब 8+1 12c8 इंटू बोलो 2x क्यूब की पावर 12 माइनस 8 4
एंड 1/3x² की पावर 8। कई बार जब बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो आंसर इस फॉर्म में भी मिलता है, जैसे 12c8 2 की पावर 4 x की पावर 12 अपॉन बोलो 3 पावर 8 इंटू एक्स पावर, हो सकता है इसी फॉर्म में दिया हो। अब कितना सॉल्व करना है ये कौन बताएगा? ऑप्शन। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि कभी कभी कैलकुलेशन जब बहुत ज्यादा होती है तो आंसर इस फॉर्म में मिल सकता है, बट ये भी हम किससे डिसाइड कर लेंगे, जो ऑप्शन दिए अगर सॉल्व फॉर्म में दिए तो सॉल्व करेंगे, नहीं दिए तो इतने पे ही छोड़ सकते हैं। तो आपने फाइनली आंसर बोला 12c8 2 की पावर 4 अपॉन 3 पावर 8 x पावर बोलो -4। क्लियर है बात? तो कितना सॉल्व करना है ये सब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, पर एक एक स्टेप के बाद बढ़ोगे तो कभी भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती। नेक्स्ट लिखते हैं, जरा एक और क्वेश्चन लिखिए। फोर एक्स माइनस 1/x टू द पावर 8 फाइंड 6 टर्म। सिंपल क्वेश्चन दिया है, 4x माइनस 1/x की पावर 8 फाइंड 6 टर्म। क्या करेंगे 6 टर्म के लिए? तो ऑब्वियसली 5+1 तो 8c5। बताओ ऑड है ना, तो माइनस बाहर लगा दें या बी की जगह पे माइनस लिखें, इसकी मिस्टेक ना करें बस। तो माइनस 8c5 4x की पावर बोलो 3 1/x की पावर 5। यस और नो? अभी हो गया माइनस ऑफ 8c5 यानी 8c3 के इक्वल लिख सकते हैं, तो 8 7 6 अपॉन 3 2 1 4 का क्यों मतलब 2 पावर 6 x की पावर 3 अपॉन x की पावर 5। ये कैंसिल, ये हो गया 56 इंटू बोलो 64 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 5 बाय x। बात समझ में आ रही? अब देखो क्वेश्चन छोटा था, सॉल्व कर देंगे वो, आप डिपेंड, ये पूरी चीजें आप अभी से नहीं बता सकते, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितना सॉल्व किया, पर हाँ ऑप्शन कैसा। अब एक एक स्टेप समझ में आ रही है? ये हुआ नंबर वन की आपसे कोई टर्म निकालना पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कोफिशियंट की, कि कोफिशियंट कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कोफिशियंट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर कोफिशियंट में दिक्कत हुई तो, क्योंकि कई बार दो टर्म दे देंगे इनके कोफिशियंट इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, बहुत सारे क्वेश्चन कोफिशियंट पे बनेंगे। कोफिशियंट का ट्रिक भी बताता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था अभी, जब टर्म का सबसे पहला एक्स स्क्वायर हाँ पावर 15 ठीक है, और कौन सा टर्म निकाला था उसमें आपने? 4। उसमें कोफिशियंट क्या आया था? नहीं, एक्स की पावर क्या थी? एक्स की पावर 15 आई थी ना। हाँ, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 15 राइट। अभी आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है, बट कैसे निकाला जाता है वो बताया जा रहा हूं, कि इसकी ट्रिक क्योंकि मेरे पास है, आप डायरेक्ट निकालेंगे। फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 15। अब सपोज ये पूछा गया है तो हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे वो समझिए। सबसे पहले अभी बाय चांस आपको इसका आंसर पता है, पर आप इसको ओरिजिनली समझिए, कि अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ये होता तो क्या करते। पूरा एक्सपांशन नहीं करना है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कोई टर्म निकाल के भी नहीं देखना, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। आपको डायरेक्टली ये पता करने की कोशिश करना है कि कौन सा टर्म है जिसमें एक्स की पावर 15 आ रहा है राइट। कौन सा टर्म है जिसमें एक्स की पावर 15 आ रहा है, ये आपको पता करना है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इस सिंपल, कि कोई भी क्वेश्चन बाइनोमियल का करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि लेट, अभी ट्रिक बता रहा हूं, पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, TR+1 टर्म इज कंटेन कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 15। हमने ये मान लिया, चाहे यहां 15 लिखा होता, चाहे 20 लिखा होता, चाहे इंडिपेंडेंट टर्म लिखा होता, चाहे जो भी लिखा होता, चाहे जो भी लिखा होता, हम मानते यही। ये बात क्लियर है? हम इसके अलावा और कुछ नहीं मानते। तो
लेट टी आर प्लस वन टर्म इज कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 15, ये आपने मान लिया। अब जब ये आपने मान लिया तो आप इसका टी आर प्लस वन टर्म निकालेंगे जो कि क्या होगा 15 सी आर राइट एक्स स्क्वायर की पावर 15 माइनस आर इंटू माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की पावर। देखो मैंने आपसे क्या बोला, मैं हमेशा एक ही फॉर्मूले से करता हूं, प्लस वाले से, माइनस हो माइनस लगा दो। अभी एनी इंडेक्स भी आप देखना इसी कंसेप्ट से, पूरी बाइनोमियल एक कंसेप्ट से करने वाले। ये क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, ये लिखा आपने जैसे। अच्छा क्या होता है, अब छोटी छोटी चीजें, भले ही आपको इंडाइसेस रूल आते हो, सब आते हो, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं जब भी कोई चीज, अगर कोई अलग टॉपिक का फॉर्मूला है जरूर लिखा करो साइड में, वो ये सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन का। अलग से पढ़ने बैठेंगे चक्कर मत पालो। a पावर m बोलो m प्लस n। अब इसमें क्या होने वाला है, माइनस वन की पावर r अलग लिख दिया, क्यों? क्योंकि ए बी की पावर n हो तो a पावर n b पावर n होता है, तो माइनस इसको मैंने अलग लिखा, 15 सी आर को अलग लिखा, x की पावर एम एन लगेगा तो 30 माइनस टू आर और वन अपॉन x की पावर 3 आर। यहां तक सभी को क्लियर है? बहुत आराम से समझो आप, ये कोफिशियंट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यही क्लियर नहीं हुई तो आप आगे बढ़ना बेकार है। अब मुझे बताओ यहां आने के बाद ये हो गया माइनस वन की पावर आर 15 सी आर एक्स की पावर, ये बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, ए पावर एम अपॉन ए पावर एम, जितना कोई भी टॉपिक रिलेटेड आए ये आदत डालोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही 30 माइनस 5 आर, ये टी आर प्लस 1 मिल गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो। बस अब क्या करना है वो समझ लो, यहां तक हर इतना नहीं करना, आगे चल के तो आपको डायरेक्ट ही निकालना है, पर पहले मेथड, कभी भी किसी चीज का मेथड सीखे बिना ट्रिक नहीं समझनी, नहीं तो ट्रिक्स कभी भूल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये लिखने के बाद चाहे 15 पूछा होता चाहे 250 चाहे इंडिपेंडेंट, सबके लिए एक ही रूल है। अब अगर 15 पूछा तो बताओ लॉजिकली ये किसके इक्वल होना चाहिए, 15 के। अगर 20 पूछा होता तो 20 के, 30 पूछा होता तो 30 के, 40 पूछा होता तो 40 के। तो आपने क्या करा, 30 माइनस 5 आर इक्वल टू 15, तो 5 आर इक्वल टू 15, तो आर इक्वल टू 3, आर मिला 3। आपने टी आर प्लस 1 टर्म लिया, इसलिए मैंने कहा था बुक स्टैंडर्ड चलना, नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आर लेते तो मुश्किल। तो इसका मतलब टर्म कौन सा हुआ, फोर्थ, यस और नो, जो आप पहले ही निकाल चुके हैं। तो इससे करते ये है कि पूरे टर्म को कलेक्ट करते हैं, एक्स की पूरी पावर को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको जो पावर से बोला है उससे कंपेयर कर देते, यानी ये क्वेश्चन चाहे 10 अलग अलग होते तो भी ये इतना स्टैंडर्ड रिजल्ट होता, राइट। अब ये मिलने के बाद आपको ये पता हो गया कि थर्ड, मतलब आप ऐसा लिखते 3 प्लस 1, इसमें ही डालना नहीं तो गलती हो जाएगी, आप 3 प्लस 1 यहां पे भी डाल सकते हो, तो माइनस 1 का क्यूब 15 c3, एक्स की पावर तो ऑब्वियसली 15 ही बचेगा, देखो आर की जगह 3 रखा तो। अब इसका कोफिशियंट पूछा है तो योर आंसर इज, आप बोलते हैं माइनस 15 c3, जिसको आपने सॉल्व किया था कितना आया था, माइनस 4 5 5, यही आंसर था। अब आपने ये वही क्वेश्चन किया जिसका आंसर ऑलरेडी पता था, जिसका आंसर ऑलरेडी, पहले इतना नोट करो फिर इसके ट्रिक्स पे बताता हूं, फिर कोफिशियंट के 4-5-6 क्वेश्चन करेंगे जब ही आगे बढ़ेंगे। ले रहा हूं ना, अभी 2 दिया होता, 3 दिया होता, कुछ भी दिया होता, आपने वो भी क्वेश्चन करे ना, अभी मैं वही लूंगा आपको, मैंने जो अब तक क्वेश्चन बताए जो स्टार्टिंग के एक्सपेंशन वही लूंगा आपको करवाऊंगा, आप वो चिंता मत करो। बस आपको करना ये कि सारी चीजें इधर कलेक्ट करके एक्स कितना आ रहा है वो चेक करना होता है, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, अब देखिए अभी आपने क्या करा, नोट कर लिया ना, अभी आपने क्या करा, पूरा इतना सब करके यहां पे लाए,
ठीक है, इसकी जगह हम चाहें तो एक फॉर्मूला यूज कर लें, पर अभी दो क्वेश्चन में दोनों तरीके से बताऊंगा। ये जरूरी चीज होती है कुछ कि अगर हम चाहें तो एक काम ये कर सकते थे कि आपसे जैसे पूछा है, आपसे पूछा है कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 15 या कुछ भी, तो अभी हम लिख लेते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर जेड, एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर जेड इन द एक्सपांशन ऑफ ए एक्स पावर पी, यहां पे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पी एक्स पावर क्यू होल पावर एन। ध्यान देना, ए एक्स पावर पी प्लस बी एक्स पावर क्यू होल पावर एन, देन जेड इक्वल टू, जो वर्ड बोल रहा हूं ध्यान रखना, एन माइनस आर इन टू पी प्लस क्यू आर, इससे आप क्या फाइंड करेंगे R, और वो R पुट कहां करेंगे, हाँ R प्लस वन में ही। ये फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, टाइम बच जाएगा, सीधा आपको पर्टिकुलर टर्म मिल गया, आपने फट से टर्म निकाल दिया। इसलिए टर्म पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, कोफिशियंट पे करवाऊंगा प्रैक्टिस। कोफिशियंट पे कमांड नहीं आया तो मान लो बाइनोमियल में आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर जेड ax पावर p प्लस माइनस बी एक्स पावर q होल पावर n, z इक्वल टू n माइनस r, यहां पे बीच में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट p अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। x यूज करना सिखाता हूं इसी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ये यहां पे अभी तक मैंने रफ भी इसलिए नहीं किया था, अब इसको देखें तो मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है, यस और नो, राइट, बोलो कितना बोला मैंने कोफिशियंट एक्स पावर 15, तो 15 इक्वल टू, ध्यान देना फिर बोल रहा हूं वर्ड, एन माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर, अब क्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दिया, प्लस क्यू आर ही बोलो आप, क्या हुआ 15 इक्वल टू, यहां सॉरी पी कितना था 2, तो आपने लिखा 30 माइनस 2R माइनस 3R। आप लॉजिकली देखोगे ना, लॉजिकली देखोगे तो क्या बना, यहां यहां क्या बना है, ये भी वही बना है, उसी कंसेप्ट से बना हुआ फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि अलग बना है। 15 तो इसलिए लिखा क्योंकि 15 पूछा जो मैंने आपको बोला था, पर आप देखो यहां जो बना है वही सेम फिगर यहां बन के आया, इसलिए रफ नहीं किया था। अब आपने यहां से निकाला आर थ्री, आपका क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो नॉट, कोई कंफ्यूजन इसमें, एक बार वो बता रहा हूं बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन आए, अभी एक बार नहीं अपन आज इसी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आ, आगे एक चीज समझ में नहीं आना जब तक या आप खुद नहीं कंफर्म हो जाओ, आपको खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन में स्विच करो, क्लास में मजबूरी होती है, आपके पास नहीं है। सुनो क्या बोला मैंने कि अगर ये एक्स की पावर 2 है, इसे एक्स की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब फॉर्मूला होता है एन माइनस आर इंटू पी पहले टर्म प्लस क्यू आर, क्यू है माइनस 3 इंटू आर, ये मिला 30 माइनस 5 आर, आप 15 बोला इसलिए 15 लिखा, अभी आप 15 भूल जाओ, आप तो मान लो जेड है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां कितना लिखा है और यहां कितना आया, सेम फिगर है, बस ये कंसेप्ट है उसका, राइट। अब सबसे पहला जो एक्सपांशन का क्वेश्चन दिया था वो बताओ, जो अभी आपने बोला कि सर यहां 2 3 हो तो क्या होगा, मैं अभी पहले वो क्वेश्चन करवाऊंगा, बुक के क्वेश्चन से कभी भी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होती। बोलना क्या था सबसे पहला एक्सपांशन वाला, नहीं उसके बाद वाला, उसके सब जो पूरे 5 5 करे थे एक्सपांशन, पहले पावर 6 पावर 5 वाला पहला क्वेश्चन क्या दिया था, हाँ 2x प्लस की पावर 6, ठीक है। अब मान लो 2x प्लस 1/x की पावर 6, अब मैं पूछता हूं लिखिए फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म, मेरा क्वेश्चन है फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म, निकालिए जरा इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म क्या आता है। अब आप सब लोग चाहें तो जनरल टर्म निकाल के कर लें, और नहीं तो डायरेक्ट जो मैंने आर का तरीका बताया है उसको भी यूज कर सकते हैं। आप कुलदीप अभी जो आपने पूछा वो समझ में आ गया, 2 है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पहले किससे कर रहे हो, अगर आप टी आर प्लस 1 से कर रहे होते, सीखना इसी से चाहिए पहले। इंडिपेंडेंट टर्म मतलब होता है एक्स पावर 0, ठीक है, अभी तो हम एक्स पावर जेड मान लेते हैं, अभी इससे 4 क्वेश्चन करते, पहले बताओ इससे कर रहे होते तो क्या लिखते हैं, 6 सी आर
2x की पावर 6 माइनस आर 1 अपॉन x की पावर आर, यस और नो? अब आप पूरा इसको अरेंज करते, 6cr 2 पावर 6 माइनस आर x की पावर 6 माइनस आर अपॉन x की पावर आर एंड देन 6cr 2 पावर बोलो 6 माइनस आर x की पावर, यस और नो? अब बस खत्म, पूरा यहां पर x निकाल लेते हैं, यहां पर जो भी हो। अब मान लो थोड़ी देर के लिए b भी होता तो b भी आ जाता है यहां, बस 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 सब पुट करना होता है। अब आपको क्या करना, अभी इंडिपेंडेंट टर्म पूछा है तो आप क्या करते बोलो, 6 माइनस 2r इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 3 तो टर्म हुआ 4। आपके पास पूरा एक्सपांशन है इस क्वेश्चन का, देखो 4 टर्म ही था, ये लॉजिक होता है। तो अब आपने क्या लिखा बेटा, इधर ही रख देना इसमें, ये जो इतनी मेहनत करी ना फिर से दोबारा टर्म मत निकालना, इसी में रखो जरा, रखो 3 प्लस 1 बोलना 6c3 2 की पावर 6 माइनस 3 एक्स, मान लो वहां लिख भी देते तो 0, ये आ गया तो 63 इंटू 2 क्यूब 63 20 इंटू 8 160, इज दैट क्लियर? तो आपको अच्छा ये किससे करा आपने, आर प्लस 1 से। अब थोड़ी देर के लिए समझ लो फिर नोट करना स्टार्ट करना। मान लो इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो क्या लिखते बेटा, 2x प्लस, अब आप लिखते फिर बोलना आप z इक्वल टू के आदत डाल लो n माइनस आर इंटू 1 प्लस क्यू आर, तो 6 माइनस 2r अब 0 है तो 6 बनती वही स्टेप है। ये क्या करता है, ये जो ट्रिक फॉर्मूला डायरेक्टली आपको x की ओवरऑल पावर पे पहुंचा देता है, आपका टाइम बच जाता है, आपका टाइम बच जाता है, नहीं तो आप पहले ये पूरा अरेंज करके जो टाइम जा रहा है उतनी देर का टाइम आपका सेव हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? अब r आपको पता है यहां से 3 आ गया, क्लियर है बात? नोट करो फिर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं जो आपको लिखवाए। यस, ये समझ में आई बात? अभी दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, जितना धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगला क्वेश्चन बताना मैंने क्या दिया था, एक 2 और 3 के साथ भी कुछ दिया था, 2x हाँ पावर 5, ठीक है ठीक है। अब मान लो मैं इसमें आपसे बोलूं कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर माइनस 4, या मैं बोलूं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन x पावर 4, ठीक है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन x पावर 4, निकालें जरा जरा इसको समझें कि क्या आएगा। तो देखिए अगर मैं जनरल टर्म से करूं तो हमेशा याद रखिए लॉजिक एक ही होता है, 5cr, पहले छोटे क्वेश्चन करना सीखो, 5cr बोलो 2x की पावर माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर, बोलो बेटा हाँ, यस और नो? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखिए सबको अलग अलग, अब आपको पता है ए बी की होल पावर एन, ए पावर एन, बी पावर एन एंड सो ऑन लाइक दिस। तो आप यहां लिखते हैं 5cr 2 की पावर 5 माइनस आर एक्स की पावर माइनस 1 की पावर आर 1 अपॉन 3 की पावर आर 1 अपॉन एक्स की पावर 2r। देखिए पहले इतना क्लियर, अब इसमें क्या होता है अरेंज करने में हम टाइम खर्च कर रहे हैं। अच्छा आर आपको पता हो और आपको पता हो कि कौन सा टर्म है, तो कई बार ऑप्शन हेल्प कर देते हैं। मान लो जो भी है, जैसे मान लो आर 3 आया तो आपको पता है 5c3 अगर किसी ऑप्शन का मैच कर रहा है तो हम फट से कर लेंगे ए बी के साथ, तो आपका आर पता होने से बहुत फायदा होगा डायरेक्ट। अब पर अभी पहले एक करना है, आप देखो 5 पहले तो बताओ क्या क्या लिखूंगा मैं, माइनस 1 पावर आर 5cr 2 पावर 5 माइनस आर 3 पावर आर और अब x की पावर 5 माइनस 3 है, या सो नो? ये पूरा आपका बन गया। अब इसके बाद आप जो x का आइसोलेटेड पावर है उसको जो भी बोला जाए उससे कंपेयर करते हैं, बस सिंपल सा लॉजिक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए इससे कंपेयर कर रहा होता, बोलो x की पावर माइनस 2 अपॉन 3 की पावर 5 यही होता, तो भी मैं क्या लिखता बेटा, अभी मान लो x पावर z ही पूछा है तो मैं यही लिखता ना, n
बोलो n माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर, तो 5 माइनस, देखिए ये भी वही है, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही। अब आपसे मान लो कोफिशियंट ऑफ x पावर माइनस 4 पूछा है, तो आप इसको माइनस 4 इक्वल टू 5 माइनस 3r, देन 3r इक्वल टू 9, देन r इक्वल टू 3, आर थ्री मतलब 4 टर्म, यहां रख दो 3+1, क्योंकि अगर ये मेहनत की तो ये रखो, नहीं की होती मैं वैसे इधर से करवाता हूं, तो 3+1 देखो फट से लिखो 5c3 2 की पावर 2 एंड 1/-1/3 की पावर 3। एक्स नहीं लिखना है, क्यों? कोफिशिएंट पूछा है तो एक्स नहीं देना होता है। अब इतनी सी कैलकुलेशन फट से करी, काम बन गया आपका, क्लियर हो नॉट? तो अब आप चाहें तो डायरेक्ट यूज करें, चाहें तो कंसेप्ट, दोनों चीजें अगर आपकी हैं, केवल ट्रिक पे चलोगे तो भी काम नहीं चलेगा, केवल कंसेप्ट पे तो भी नहीं, मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या हो गया बेटा? एक्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका कोफिशियंट पूछा है। आप यहां पर निकालते तो अपॉन में ये भी आता, पर इसी का तो कोफिशियंट पूछा तो ये आंसर हो गया। कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 4 बोला ना बेटा, यहां रखते तो बना, अब आप यहां पर रखते आर की जगह 3, तो बताओ 5-3 9 कितना, -4, इसका कोफिशियंट पूछा, यानी इतना सा आंसर देना। बात समझ में आ रही है? अभी क्लियर है? अभी आपने वही 2-3 क्वेश्चन किए जिनका एक्सपांशन सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने करवाया था। एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होता, लिखिए 3x² + 1/2x³ whole power 12, फाइंड कोफिशियंट ऑफ x पावर 6। माय क्वेश्चन इज 3x² + 1/2x³ की होल पावर 12, फाइंड कोफिशियंट ऑफ x पावर 6। तो अब कोफिशियंट ऑफ x पावर 6 बताना है, तो सबसे पहले बोलो आप डायरेक्ट n माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर, या सो नो, इतना लिखो अभी तो बोलो 24-2r-3r मतलब, हाँ सुन लो, अब आपको 6 से कंपेयर करना है, तो 5r इक्वल टू 24-6 18, तो r इक्वल टू 18 बाय यानी 3.6। अब सुनिए, r एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो अगर r कभी फ्रैक्शन में आए तो कोफिशियंट ऑफ x पावर 6 इज 0, मतलब वो टर्म कंटेन नहीं कर रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि जैसे मैं आपसे बोलूं कि बाजार से अंडे लेके आओ तो 4.5 अंडे ला सकते हो, नहीं ला सकते, वैसे ही कोई टर्म बीच का नहीं हो सकता। तो r कभी भी फ्रैक्शन में मिले तो इसका मतलब वो कोफिशियंट, वो मैंने आपको बताया भी था, कई सारे टर्म नहीं मिलते कई बार, तो इसका मतलब ये टर्म आया ही नहीं होगा, तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा, राइट? अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं मान लो आपसे इंडिपेंडेंट टर्म बोलता तो भी 0 होता, क्योंकि 0 इक्वल टू आप लिखते 24-5r इक्वल टू 24, देन अगेन 0, यानी कांस्टेंट टर्म भी यहां पर 0 ही होता, यस और नो? मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर माइनस 6, अब बताओ, तो अब आप यहां पर लिख देते, बनना एक ही बार है, आप लिखते माइनस 6 इक्वल टू 24-5r, देन 5r इक्वल टू 30, r इक्वल टू 6, तो टर्म हुआ 6+1, जो आप निकाल के बताने वाले हो। बात समझ में आ रही है? यानी करने का तरीका बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोफिशियंट में कंफ्यूजन हो गया तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। कोफिशियंट एकदम सही से निकालने आना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, टू एक्स पावर 4 प्लस 1/2x² whole power 16, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म, क्विक एंड फास्ट, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म। टू एक्स पावर 4 प्लस 1/2x² की, वो सॉरी 1/2
2x square की whole power 16 find independent term. पहले तो आपको लिखना आना चाहिए 16 minus r into 4 minus 2r. This equal to 0. 64 minus 6r. 6r equal to 64. R equal to fraction है मतलब 0. Fraction मतलब 0. कोई confusion इसमें? Fraction का मतलब हमेशा पानी लिखा. फ्रैक्शन का मतलब हमेशा जीरो. अब इसी क्वेश्चन में मान लो मैं बोलता कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर फोर तो क्या होता? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? अगर एक्स पावर फोर तो आप बोलते 64 माइनस 6r इक्वल टू 4, देन 6r इक्वल टू 60, देन r इक्वल टू 10, तो टर्म हुआ 10 प्लस 1 11 जो आप बाद में निकालेंगे. कई बार तो टर्म ही पूछते हैं और टर्म की वैल्यू पूछिए वो भी निकाल दोगे. राइट? क्लियर हो नॉट? अच्छा, अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि अपॉन में होना जरूरी है, ऐसा कोई रूल नहीं है. ऐसा भी हो सकता है, लिखिए 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 10 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12. निकालिए. इसमें क्या होता? इसमें भी वही बोलो, n माइनस r इंटू 1 प्लस, बस यहां पे प्लस रहता. अभी तक क्या हो रहा था? वो पावर ऊपर माइनस चली जाती. इक्वल टू क्या लिखते? अभी जेड लिख दो. अब बोलो 10 माइनस 3r इक्वल टू 10 प्लस r. हाँ, 10 प्लस r, सॉरी. तो 3r इक्वल टू 2. अरे सॉरी 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 सॉरी, प्लस r हो जाएगा ना, माइनस r प्लस 2r, तो प्लस r, तो r इक्वल टू 2, तो थर्ड टर्म. क्लियर हो नॉट? क्लियर हो नॉट?